आमतौर पर मेहंदी का इस्तेमाल सजने सवरने और खूबसूरत दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसी मेहंदी से अगर कैनवास पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जाए तो हर किसी का चौंकना लाजमी है। जबलपुर की रहने वाली दीक्षा गुप्ता ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। दीक्षा ने कैनवास पर एक दो नहीं बल्कि 9 फीट ऊंची पेंटिंग बनाकर पूरे परिवार के साथ जबलपुर का भी नाम रोशन किया है। 9 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी तिरुपति बालाजी की पेंटिंग मेहंदी के जरिए बनाकर दीक्षा गुप्ता ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके साथ ही दीक्षा पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। ये रिकॉर्ड दीक्षा के नाम होने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर है। वो कहते हैं ना कि कला भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफे की तरह है। कई लोग हैं जिनमें कोई ना कोई कला जरूर होती है, कोई इसे समय रहते पहचान लेता है और उस पर आगे बढ़ता है, तो कोई इसे उम्र भर जान ही नहीं पाता। शहर की दीक्षा गुप्ता ने बहुत ही छोटी उम्र से अपने हुनर को पहचाना और आज इसी हुनर से अपनी पहचान बनाई है। शुरू से ही पेंटिंग का शौक रखने वाली दीक्षा गुप्ता BBA पास आउट है और वो इसके पहले धर्म और आध्यात्म से जुड़ी कई पेंटिंग को मेहंदी के जरिए आकार दे चुकी है। तिरुपति बालाजी की 9 फीट ऊंची मेहंदी की पेंटिंग बनाने में दीक्षा को करीब 3 महीने का वक्त और 2 किलो मेहंदी का उपयोग करना पड़ा। रोजाना वो 5 से 6 घंटे तक मेहंदी कौन की मदद से बालाजी की पेंटिंग बनाती रहती। दीक्षा बताती हैं कि 20 जून 2022 से उन्होंने ये पेंटिंग बनाने की शुरुआत की थी, जिसे 16 सितंबर 2022 को पूरा कर लिया गया और इसके बाद जनवरी शुरुआत में उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आवेदन किया। 27 जनवरी को ये रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद 7 अप्रैल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज किया। इसके बाद दीक्षा ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आवेदन किया था, लेकिन पहली बार ये रिकॉर्ड ना बन सका। लेकिन दीक्षा ने अपनी हिम्मत को ना हारते हुए दोबारा से रिकॉर्ड के लिए 5 अगस्त 2023 को आवेदन दिया और लंबे समय के बाद 15 जून को ये रिकॉर्ड दीक्षा के नाम हो गया। दीक्षा बताती हैं कि वो एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं। पिता माँ भाई सहित 20 लोग संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं। पिता संजय गुप्ता का कॉस्मेटिक का व्यापार है और माँ गृहिणी है। दीक्षा ने बताया कि प्रोफेशन से जुड़ने के बाद ज्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन कोरोना के दौरान लॉकडाउन में काफी समय मिला, जिससे मेहंदी के साथ कुछ न कुछ करने का समय मिल ही जाता था। कई नए डिजाइन बनाए, भक्ति भाव को मेहंदी के जरिए प्रदर्शित किया। मेहंदी से पेंटिंग बनाने की शुरुआत कोविड के दौरान बने हालातों में हुई। दीक्षा ने मेहंदी में राम दरबार, दुर्गा माँ का स्वरूप, गौतम बुद्ध, शिव पार्वती विवाह, कृष्ण भागवत गीता को तैयार किया। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग भी बनाई, जिसे जबलपुर के सेंट्रल जेल में लगाया गया। दीक्षा ने बताया कि इस तरह के स्वरूप को तैयार करने के लिए भजनों को सुनती है, तभी ये उसे बेहतर तरह से बना पाती है। जब माँ के भजनों को सुना तब उनकी तस्वीर आंखों में उतरी और उसे बना लिया। कभी भी अचानक से बैठकर इन डिजाइन को तैयार नहीं किया जा सकता। भक्ति भाव को जब महसूस करते हैं तभी कला उभर कर सामने आती है। सर 3 महीने लग गए इस पेंटिंग को बनाने के लिए और 2 किलो मेहंदी लगी, 12 आइवरी शीट लगी और इतनी बड़ी शीट मिलती नहीं हालांकि, तो शीट को जोड़ के मैंने बनाया है सर। तो इसमें हालांकि बहुत मेहनत लगी, एक दिन में अगर मैं एक दिन का आंकड़ा बनाऊं तो एक दिन में 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, पेंटिंग को देना पड़ता था, उसके बाद जाके 3 महीने में बनी ये पेंटिंग। सर देखिए पेंटिंग तो हर कोई बना लेता है, लाइक हर चीज़ों से, जैसे कलर से बनाई जाती है, शीट्स पे कैनवास पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग होती है, मंडाला आर्ट होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना क्यों ना कुछ हटके किया जाए, मेहंदी से करके किया जाए, क्योंकि मेहंदी तो जो होती है वो हमारे इतने बहुत पुरानी है, हमारे प्राचीन काल से आ रही, चलती हुई आ रही है और महिलाओं का इसे सुहाग का प्रतीक कहा गया है, माताओं को चढ़ती है ये हमारी। तो सोचा मैंने कि मैं एक संस्कार धारणी की हूँ तो क्यों ना हम अपने ऐतिहासिक चीज़ों को ही लेके आगे बढ़ें। तो ये सोच के मैंने मेहंदी से बनाना स्टार्ट किया और मेहंदी भी खुद घर पे बनाया है और उस मेहंदी से बनाना स्टार्ट किया सर मैंने। तो मैंने प्रभु को ध्यान में रख के, दिल में रख के और अपने मतलब मन में रख के उनको बनाया है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है हम इंसानों के अंदर कि हम प्रभु को बना सकते, लेकिन जो हम में हम जो हम प्रभु के लिए सोचते हैं, फील करते हैं, जो वो अपनी कला में उभारा है मैंने। तिरुपति बालाजी के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बनाना कहाँ से स्टार्ट किया है। मैंने मुकुट से बनाना स्टार्ट किया। शीश में आप देखेंगे, मुकुट के सबसे ऊपर आप देखेंगे महालक्ष्मी का एक मासूम सा चेहरा बनाया हुआ है मैंने उनका, कि टेढ़ा सा मुकुट रख सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। और उनके आप गले के नीचे आएंगे थोड़ा, उनके
तो आप देख सकते हैं कि उनके हृदय के एक साइड महालक्ष्मी को बनाया गया, दूसरे साइड माँ पद्मावती को बनाया गया है। और प्रभु का जनेऊ को विस्तारित किया गया है, हर एक चीज को विस्तारित करते करते मैंने सिक्कों की जो माला बनाई है, तो सिक्कों की माला में वो 48 सिक्कों की माला में मैंने लक्ष्मी जी का सेम फेसेस बनाया है, ये ऐसे कलश रखते हुए और हाथ में कमल को धारण करते हुए। आप जो लीव्स देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, वो तुलसी की माला है। ऐसा कहते हैं तिरुपति बालाजी में कि आपको किसी भी नारायण के मंदिर में जाते या फिर कृष्ण जी के मंदिर में आप जाते, राम जी के मंदिर में जाते हैं, तो जहाँ पे उनको तुलसी की पत्ती लगा के हम उनको भोग चढ़ाते हैं, तभी प्रभु जो है प्रसाद जो अपना भोग अर्पित करते हैं। तो वो जब तुलसी की पत्ती लो श्रद्धालुओं में, भक्तगणों में प्रसाद के तौर में वितरित कर दी जाती है, लेकिन तिरुपति बालाजी में क्या करते हैं कि तुलसी की जो माला होती है उसको भक्तों में वितरित नहीं करते हैं, प्रसाद के तौर पे उसे ले जाके विसर्जित कर देते हैं कुएं में। तो उनकी अपनी एक महानता है। आप प्रभु के ये ठुड्डी में देख सकते हैं कि वहां पे चंदन का लेप लगा, क्योंकि तिरुपति बालाजी वो बचपन में उनकी माता ने उनको जब मारा था तो यहाँ पे चोट लग गई थी, तो उनको उसको ठंडक करने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। इस रिकॉर्ड से दीक्षा का परिवार भी काफी खुश है। बेटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है, कितनी खुशी हुई आपको? खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। ये तो बहुत गर्व की बात है। खुशी एक अलग चीज़ हो जाती है, गर्व करना एक अलग होता है। तो आज तो मैं क्या कहूँ कि मैं अपने जीवन को धन्य मानती हूँ कि जो मुझे ईश्वर ने ऐसी बेटी प्रदान की है। पढ़ाई को लेकर के क्या कहेंगे कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों पर रोक लगाते हैं कि बच्चों को स्कूल पर जाना चाहिए, ये करना चाहिए? नहीं, हम लोग ने तो कभी रोक नहीं लगाया, लेकिन बस इनके पिताजी चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, कोई अच्छी जॉब करे, बाकी ऐसा कोई रोक टोक नहीं लगा इनके ऊपर। थोड़ी सी लगती थी कि मेहंदी कर रही हो, लेकिन ये नहीं पता था कि आज इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर लेंगी और वर्ल्ड का नाम, अपने भारतवर्ष का ही नहीं वर्ल्ड में भी अपना नाम ये दर्ज करा लेंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगी। दीक्षा 12 साल की उम्र से मेहंदी लगा रही हैं। अपनी पढ़ाई के साथ इस कला को वक्त देती रही और अब प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है। दीक्षा ने अपनी मेहंदी की कला से राम दरबार, दुर्गा माता का स्वरूप, शंकर पार्वती के साथ ही राधा कृष्ण भगवान बुद्ध के साथ ही केवट की नाव में राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए पेंटिंग बनाई थी, जिसे जया किशोरी को भेंट किया था।